जैसे ही मौसम बदलता है, गले में दर्द या फिर शॉर्ट थ्रोट की समस्या है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है, जैसे लेरेंजाइटिस की स्थिति हो या फिर फेरेंजाइटिस या फिर टोन्सिलाइटिस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक सीकर। वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं बीमारियाँ और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट थ्रोट या फिर गले में दर्द। वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गले में दर्द किन कारणों से हो सकता है, कारणों की बात करेंगे, बाद में हम लक्षण की बात करेंगे और कुछ प्रिवेंशन, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपके गले के दर्द को बहुत इजीली बहुत कम टाइम में ठीक कर सकती हैं। अगर हम बात करें गले में दर्द किन कारणों से होता है, तो सबसे पहले तो ये किसी बैक्टीरियल या फिर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। जब कभी भी किसी तरह के हम बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आते हैं, उसके बाद में गले में दर्द बन जाता है, फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस या फिर टोन्सिलाइटिस की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर हम लोग इन तीनों को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम इनको अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, गले में दर्द का कारण हो सकता है पर्टिकुलर किसी भी तरह की एलर्जी, चाहे से वो किसी तरह के एलर्जन की वजह से हो, कोई केमिकल प्रोडक्ट हो सकता है, पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे कि आपका गला है वो इरिटेट करता है और आपको एलर्जी की समस्या उससे रह सकती है। उसके बाद में गले में दर्द है काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। कुछ लोगों में गले में दर्द की समस्या है वो GERD या फिर एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी देखी जाती है। जिन लोगों को बार बार खट्टी डकारें आती है, एसिड रिफ्लेक्स की समस्या रहती है, उनको भी गले में दर्द की समस्या है वो देखी जाती है। इसी तरह का अगर कभी कोई केमिकल एक्सपोजर हुआ है, उसकी वजह से भी गले में दर्द की समस्या देखी जा सकती है। ऐसा किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ, या फिर वे किसान जो अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। जिन लोगों को रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, नज़ले की समस्या जिन लोगों को लंबे समय से बनी हुई है, उन लोगों में भी एलर्जिक राइनाइटिस के साथ में गले में दर्द की समस्या है काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कुछ लोगों में मौसम हल्का सा भी चेंज होता है, जैसे ही अभी वाला ये जो मौसम है, गर्मियों से जैसे हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, इस मौसम में गले में दर्द की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हम बात करें सिम्टम्स की या फिर साइंस की, इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स साइंस नहीं होते हैं। गले में दर्द होता है, गले में एक अजीब तरह का छीलन सा महसूस होता है, कुछ लोगों को हल्की स्वेलिंग महसूस होती है, कुछ लोगों को गला अगर हम देखें टॉर्च की सहायता से तो वहाँ पर लाल रंग का दिखाई देता है, रेडनेस दिखाई देता है, के साथ में ही कुछ खाने में निगलने में दिक्कत होती है और गले में एक लगातार ऐसे स्टिकी सेंसेशन सा कुछ लोगों में बना रहता है, जो कि बाद में काफ़ी समय तक आपको गला है साफ करना पड़ता है, उसके बाद ही ये ठीक होता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन में आपको जब भी गले में हल्का फुल्का दर्द शुरू होता है तब आपको गरारे करने हैं, और इसके अलावा जितनी भी ठंडी और खट्टी चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी ऐसी मेडिसिन है जो आपके गले के दर्द को बिल्कुल से ठीक कर सकती है। बात करें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन, वो है एकोनाइट। एकोनाइट 30 का प्रयोग उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर गले में दर्द है वो ठंड के एक्सपोजर के बाद में हुआ है, अचानक से दर्द हो गया है। ऐसी स्थिति में एकोनाइट 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आपको थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट है, अगर गला दिखने में लाल दिखाई दे रहा है, स्वेलिंग भी दिख रही है, दर्द काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, ऐसी स्थिति में बेलेडोना 200 काफ़ी अच्छा काम करती है। बेलेडोना 200 की दो दो बूंद आपको थोड़े टाइम के लिए यूज में लेनी है। अगर ठंड के एक्सपोजर के बाद में, ठंडा खाने के बाद में, बहुत ज़्यादा ठंड लगने के बाद में गले में दर्द की समस्या हुई है, ऐसी स्थिति में हिपारसल्फ 30 भी काफ़ी अच्छा काम करती है। हिपारसल्फ 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। अगर गले में दर्द शॉर्ट थ्रोट की समस्या है वो एलर्जिक राइनाइटिस के साथ में है, ज़्यादा छींके आना, जुखाम के सिम्टम्स हैं, इनके साथ में गले में दर्द है, ऐसी स्थिति में नेट्रमयूर 6X में काफ़ी अच्छा काम करेगी। नेट्रमयूर 6X के 4-4 टेबलेट सुबह दोपहर शाम थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। कुछ लोगों में गले में दर्द है, उसका इन्फेक्शन कान तक भी पहुंच जाता है, उसके बाद में कान में दर्द होने लग जाता है,
ऐसे लोगों में फाइटोला का काफ़ी अच्छा काम करती है। फाइटोला का 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए डिस्कस करी है। ये आपके गले में दर्द की समस्या में, गले में दर्द की सिचुएशन में काफ़ी अच्छी आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उन्हें अपने प्रॉपर सिम्टम्स बताएं। हो सकता है यहाँ पर बताई गई मेडिसिन से कुछ अलग आपकी मेडिसिन हो। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक पिपराली रोड सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों।